दिल्ली के रोहिणी इलाके में शनिवार शाम एक होंडा सिटी कार में भयानक आग लग गई। इस कार में एक महिला सवार थी जो बाल बाल बच गई। चश्मदीदों के अनुसार आग लगने के बाद कार में दो धमाके भी हुए और होंडा सिटी की एक कार पेट्रोल और सीएनजी से चलते थे। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई और तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। मेट्रो वॉक के सामने बीच सड़क पर अचानक लगे इस आग ने रोड पर अफरा तफरी का माहौल बना दिया। धमाकों की आवाज से वहां गुजरे राहगीर भी डर गए। बहरहाल मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। हमें गाड़ी की कॉल मिली थी जी, तो गाड़ी में आग लगी हुई है। गाड़ी में आग लगी हुई है, सीएनजी और पेट्रोल की गाड़ी है। अच्छा। लिया, ये काम खत्म। कोई इंजर्ड तो नहीं है इसमें? कोई इंजर्ड नहीं। गाड़ी में से यहाँ निकला था, देखा तो कोई जेडी गाड़ी चला रही थी। हाँ। तो पता चला राहगीरों से कोई सीएनजी लगी हुई गाड़ी में, एसी से शॉर्ट सर्किट हुआ है, गाड़ी में आग लगी बहुत ज्यादा। अच्छा। इसी पुलिस अफसर ने बताया, मैंने 100 नंबर पे कॉल करी है, दिल्ली फायर सर्विस आने वाली है। तुरंत दिल्ली फायर सर्विस आ गई, पुलिस अधिकारी आ गए और पुलिस वालों ने मिलकर डीएमएस ने दिल्ली फायर सर्विस ने मिलकर आग बुझा दी है। आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो गाड़ी के अंदर कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ? गाड़ी में कोई इंजर्ड नहीं हुआ, लेडीज सुरक्षित निकल गई है। अच्छा। शाहबाद डेयरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कूलिंग का काम भी लगातार जारी रहा। इस पूरे हादसे में गनीमत की बात रही कि कार चालक महिला समय रहते गाड़ी से बाहर निकली और उसने अपनी जान बचाई। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। देश विदेश के ताजा तरीन खबरें अपने मोबाइल में पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें हम वतन टीवी, खबर से खबर तक।